Okay, I have come live. Okay, good afternoon everyone. Good afternoon guys, कैसे हैं आप सभी लोग? So, आप सभी लोगों को वीडियो ठीक से मिल रहा है? Are you getting the video and the voice in a correct manner? Guys, please do inform me before starting the session. गुड आफ्टरनून मनोहर, गुड आफ्टरनून कुणाल एंड हर्ष. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन. इट्स बीन अ बिग टाइम टू, बट विल बी लाइक कंटिन्यूअस ऑन यूट्यूब राइट नाउ. और उसके बाद भी सेशंस जो हैं वो स्टार्ट रहेंगे. एंड वन मोर थिंग इज देयर, देयर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट अगेन दैट आई विल डू इन बिटवीन द लेक्चर. बट बिफोर दैट आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी. और आप सभी लोग इस लेक्चर को अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गेट ESE में देख रहे हैं. गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म एंड यू हैव चांस टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एटलीस्ट मोर देन 30 फैकल्टीज आर अवेलेबल. आप उन सभी से पढ़ सकते हैं एंड सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से यू कैन वॉच द लेक्चर ऑफ ऑल द फैकल्टीज अवेलेबल. ओके, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन बिकॉज आई एम ऑल्सो वॉचिंग द सेम लेक्चर ओवर हियर एंड थिंग्स आर वर्किंग फाइन फॉर मी. दो आई एम नॉट लिसनिंग इट बट एटलीस्ट आई एम वॉचिंग इट. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस देर इज द फी स्ट्रक्चर. गाइज, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट आपकी बहुत ही नॉमिनल फीस है, 25,000 रुपीज. एंड दी काइंड ऑफ नॉलेज एंड दी कॉन्सेप्ट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट ओवर हियर विल बी अनमैचेबल. एंड विद दिस फीस इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग दैट यू आर गेटिंग. 25,000 सिर्फ 12 मंथ के लिए, उसके बाद भी यू हैव 10% ऑफ द डिस्काउंट. एंड दिस इज द कोड मीनू लाइफ फॉर द मेंटोरशिप. बिकॉज अंदर आने के बाद गाइज देखिए, दिस कोड इज नॉट फॉर समथिंग 10% डिस्काउंट. इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये कोड 10% डिस्काउंट इसका मकसद नहीं है. मकसद सिर्फ इतना है कि आप एक मेंटोर को चूज करें बिफोर कमिंग टू द अन अकेडमी. बिकॉज अंदर आकर के बहुत ज़्यादा कोर्स हैं एक सब्जेक्ट के लिए, बहुत सारी फैकल्टीज ने कोर्सेज बना के रखे हैं. सो इट्स द टाइम टू चूज अ फैकल्टी जिससे कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं. एंड फॉर दैट रीजन यू नीड टू चूज अ मेंटोर. विद द हेल्प ऑफ मेंटोर यू विल कम टू नो दैट व्हाट आर द कोर्सेज दैट यू हैव टू चूज एंड व्हाट इज द राइट पाथ दैट यू हैव टू फॉलो इनसाइड द अन अकेडमी. सो दिस इज द रोल ऑफ द कोड. प्लीज डू नॉट टेक इट फॉर ओनली 10% डिस्काउंट. 10% डिस्काउंट इज नॉट द बिग थिंग फॉर ओवर हियर. जब आप देख सकते हैं इतनी कम फीस है तो 10% डिस्काउंट एक बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर. और मेन पर्पस यहाँ पर मेंटोर चूज करना है बिफोर यू स्टेप इनटू अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो अंदर आकर के. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को. वो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक प्रॉपर मेंटोर को चूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू चूज मी एज अ मेंटोर, सो यू हैव टू यूज द कोड मीनू लाइफ. एंड उसके अलावा 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन गाइस, जितने लोग अभी भी कॉलेज में हैं, जो प्रारंभ कर रहे हैं अपनी ये जर्नी को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, मैं बता दूँ आपको सिर्फ ये गेट एंड ESE नहीं है. देर आर वेरियस अदर AEJEE एग्जामिनेशन जो आप मैकेनिकल इंजीनियर, यू विल बिकम अ ट्रू मैकेनिकल इंजीनियर. आई ऑलवेज से दैट इन कॉलेज आपको सिर्फ एक डिग्री मिलती है मैकेनिकल इंजीनियर. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सब्जेक्ट यू बिकम हियर ऑन अन अकेडमी और ऑल्सो इन अदर इंस्टीट्यूट ऑल्सो यू कैन बिकम ऑफकोर्स. बट कॉलेज में वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है अंटिल अनलेस यू आर इन सम IIT. तो अगेन मीनू लाइव इज द कोड जो आपको यूज करना है. उसके बाद जो टोटल फीस आपकी वो है वो 27,000 रुपीज पड़ेगी. एंड मैं बता दूँ ये फुल सारे के सारे टैक्सेस के बाद, इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस. इसके अलावा आपको कोई भी अदर चार्जेस नहीं पड़ने वाले हैं, ठीक है. उसके अलावा गाइज, दिस इज माई इंट्रोडक्शन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर फैकल्टी, अबाउट द मेंटोर दैट यू विल बी चूजिंग. माई मास्टर्स इज फ्रॉम IIT दिल्ली. गेट मैंने 4 times क्वालिफाई किया है, एज वेल एज इसरो रिटन एग्जाम भी मैंने 2 times क्वालिफाई किया है. गाइज, SSC JEE, दिस जॉब आई हैव लेफ्ट. SSC JEE की जॉब मैंने वॉलेंटियरली लीव करके आई हैव चोजन दिस फील्ड. आई स्टार्टेड डूइंग माई मास्टर्स फ्रॉम हियर. एंड उसके अलावा SSC JEE के मार्क्स आप लोग देख सकते हैं.
प्रीवियसली वी विल बी स्टार्टिंग वेल्डिंग. मैं बता दूं यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं वेल्डिंग के. आपको जो भी प्रॉब्लम है वेल्डिंग में आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं. बट बिफोर दैट आई फॉरगॉट टू पुट माई लैपटॉप ऑन चार्जिंग, सो प्लीज जस्ट गिव मी 30 seconds. आई विल पुट इट इन चार्जिंग एंड स्विच ऑन द लाइट. We'll start the session. Okay, there are so many comments. Good afternoon, everyone. Chalo, start karte hain. And we are also planning to launch a batch course with the name Prarambh. It is for the students who are starting their preparation. Repeaters ke liye batch utna preferable nahi hoga. Yahan par Prarambh, that means it will be for GATE 2022. So stay tuned. Dekhte hain kab batch launch hota hai. चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. एमई में आया हुआ है 1990 एंड 1 मार्क का क्वेश्चन है. पेनिट्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय, आई विल कीप ऑन गिविंग यू दी दिस थिंग. चलो डिस्कशन में करती रहूंगी. गेट सीओएपी जो कि जितेंद्र हैं बी पार्ट बोल रहे हैं. यश आमीन बी पार्ट बी पार्ट बी पार्ट बी पार्ट. पीयूष गुप्ता हैं अकेले जो सी पार्ट बोल रहे हैं. देखो पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन दैट मीन्स जो मेरा एक बेस मटीरियल होगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बेस मटीरियल और यहाँ पर यू हैव द इलेक्ट्रोड. ये कितना अंदर पेनीट्रेट कर पा रहा है, दैट इज पेनीट्रेशन. पेनीट्रेशन करने के लिए वर्क पीस में आपके मैक्सिमम एनर्जी होनी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए. तो आपको अगर पेनीट्रेशन बढ़ाना है तो जो पावर होता है गाइज उसका फॉर्मूला हमेशा ही आपको आई स्क्वायर आर टी यूज़ करना है. That means the amount of energy that is produced, वो आपको हमेशा ही I square RT use करना है. तो उसके हिसाब से आपको अगर power को increase करना है, that means current को भी increase करना पड़ेगा. ठीक है, देखिए increasing the welding current. तो C part जिसने बोला है वो तो बिल्कुल ही गलत है. C तो देखो हो ही नहीं सकता. increasing the welding current सही है. फिर उसके बाद welding speed के बारे में बात करते हैं. देखो यार, मान लो ये मेरा हैंड आपका वर्क पीस है और मैं ऐसे वेल्डिंग कर रही हूँ, तो जितना तेज मैं स्पीड बढ़ाऊंगी उतना कम डिपोजिशन होगा, उतना कम पर यूनिट लेंथ. जितना ज़्यादा मैं स्पीड बढ़ाऊंगी पर यूनिट लेंथ जो एनर्जी प्रोवाइड होगी आपके वर्क पीस में वो डिक्रीज कर जाएगी. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, द एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट लेंथ ऑफ द वर्क पीस विल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द वेल्डिंग स्पीड. सो इफ यू हैव टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन यू हैव टू इंक्रीज द एनर्जी that you have to give, that means you have to increase the energy per unit length and for that you have to decrease the welding speed. Therefore most of you have told the answer B as the correct part. Okay, question number 2 ka D part. हाँ जी हर्ष पटेल, इसकी PDF मिल जाएगी. I will provide you all the PDF of welding. Common sense का question था. जी हाँ चलो यार, डी क्वेश्चन नंबर 2. यश आमीन इज टेलिंग डी पार्ट. बाकी लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो जी? डी पार्ट. मनोहर लाल सेकंड का ए पार्ट बोल रहे हैं. ऐसा कैसे मनोहर बोल दिया आपने? डी पार्ट बोल रहे हैं. गेट से एपी रश्मि कुमारी, रेशमी कुमारी डी पार्ट बोल रहे हैं. सभी लोग डी पार्ट बोल. देखो मैं समझा देती हूँ. आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन एंड देन ओनली मूव फॉरवर्ड. एट ए स्मॉल वेरिएशन ऑफ आर्क लेंथ एट ऑपरेटिंग कंडीशंस, ऑपरेटिंग कंडीशंस में स्मॉल वेरिएशन ऑफ आर्क लेंथ. मैं आपको बता दूँ, मैन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग इज ऑलवेज डन विथ कॉन्स्टेंट करेंट सोर्स. सी sources are of two types, let me tell you. One is आपका constant current, ठीक है, constant current है आपका, एक मिनट. And the other is आपका constant voltage. आप सभी लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि constant current is always manual type. जब भी हम मैनुअल वेल्डिंग कर रहे हैं देन वी नीड टू टेक द कांस्टेंट करंट सो दैट बाय वेरिएशन ऑफ वोल्टेज. क्योंकि देखिए अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो आपका हाथ जो है वो हमेशा ही वाइब्रेट करेगा या आप कह लो हिलता रहेगा. देयरफॉर जो
आर्क की लेंथ है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी. अगर वो कांस्टेंट नहीं रहेगी दैट मींस वोल्टेज भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, और अगर वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगा तो मुझे कुछ ऐसा चूज करना है कि वोल्टेज के वेरिएशन से भी करंट को कांस्टेंट करवा पाए, ताकि जो आपकी पावर है वो आपकी लगभग सेम आ पाए. देयरफॉर व्हेन एवर यू डू द मैनुअल टाइप ऑफ वेल्डिंग यू ऑलवेज रिक्वायर द कांस्टेंट करंट, एंड आप कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो ऑटोमेटिक टाइप में यूज करेंगे. ठीक है, ऑटोमेटिक टाइप. तो देयरफॉर योर आंसर इज डी पार्ट. आई होप दैट आई हैव मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू दिस डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर टू. मैंने आपको ये डिस्कस करके बता दिया है भैया कि हम कौन सा कहाँ पर यूज करते हैं. सो इट इज नॉट ओनली अबाउट दी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग. अगर आपको कभी ऑटोमेटिक पूछता है तो आपको कॉन्स्टेंट वोल्टेज में लगाना पड़ेगा. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थ्री. फॉर अ गैस वेल्डिंग अ पर्टिकुलर जॉब यूजिंग अ न्यूट्रल ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, द एसिटिलीन कंजम्पशन वॉज 10 लीटर्स. द ऑक्सीजन कंजम्पशन फ्रॉम द सिलेंडर्स इन लीटर. रेशमी एंड सौरभ इज टेलिंग बी पार्ट. आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूट्रल फ्लेम में 1:1 का रेशियो होता है सिलेंडर से. आपको वैसे तो पता ही होगा कि 1C2H4 के लिए आपको 2.5O2 चाहिए होता है, लेकिन 1.5O2 जो है वो एटमॉस्फेयर से मिलता है, और उसके अलावा 1O2 जो है वो सिलेंडर से मिलता है. तो गाइज ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो रेशियो हम डिफाइन करते हैं वो हम सिलेंडर वाला रेशियो डिफाइन करते हैं, हम नॉर्मल वाला नहीं करते हैं. अब नॉर्मल तो 1:2.5 होना चाहिए, बट 1.5 तो वो एटमॉस्फेयर से हमेशा लेगा. हम ये सिलेंडर वाला डिसाइड करते हैं. और यहाँ पर देखो सिलेंडर इन लीटर्स पूछा है, तो 10 लीटर अगर एसिटिलीन चाहिए है तो बी पार्ट 10 लीटर भी हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी. देयरफॉर बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. आई नो दैट मोस्टली लोगों ने लगा लिया होगा, बट एक बार कोशिश करके मेरा एक्सप्लेनेशन भी सुन लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी बात आपको और अच्छे समझ में आ जाए, कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका और सॉल्व हो जाए. अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, गेट के क्वेश्चन में इट इज़ नॉट ओनली द आंसर दैट यू हैव टू ब्रिंग आउट, इट इज़ द एनालिसिस. ध्यान रखिएगा, एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन का. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर 10 लीटर्स आपको समझाया है, तो ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की थी कि भैया 2.5 रिक्वायरमेंट होती है, तो 1:1 जो है वो हम सिलेंडर के बेसिस पे लेते हैं, ना कि हम ओवरऑल के बेसिस पे लेते हैं. तो आपको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आगे अगर कुछ भी क्वेश्चन में ऊपर नीचे करता है तो यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व एनी न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन. देखो यार, प्रीवियस ईयर हम करते हैं इसलिए ताकि आप नया टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है उसको आप कर पाएं. सो यू हैव टू इम्प्रूव योर क्वेश्चन सॉल्विंग ability by doing the analysis of the previous year questions. Yeah, I'm venue Madhava. I'm trying to be in English only. From this much time, I think so, I'm speaking in English. Because what happens is na, I have told you all before also. With me this happens that whenever I come into pace of teaching, I forget that which language I am using, because I focus more on the concept that I am giving. So sometimes that happens. You can just tell me whether I am using Hindi or English. Chalo, question number 4. Explain slowly. Okay. For resistance spot welding, 1.5 mm thick steel sheet, the current required is of the order of. Yaar guys, listen to me. In the resistance spot welding, the current required is around 10,000 ampere to 15,000 ampere, which is a huge value. Why? Because the power or the energy, you can say that energy that comes is I square RT. And for melting the sheets, you need a large amount of energy. Therefore, you have to increase the value of the current. So it is about 10,000. I mean, you can understand 10,000 ka when we'll do the square, na, the energy will be coming in mega joule time. Therefore, it is about 10,000. 10,000 to 15,000, it will be approximation. Deepak Raj, PSU ka interview हिंदी में होता है या इंग्लिश में? दीपक, इट कैन बी इन हिंदी, इट कैन बी इन इंग्लिश. इट डिपेंड्स अपॉन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन. वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल इन, प्लीज गो फॉर इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. चलो जी,
1991. These questions are arranged in the year wise. Shivendra Kumar is telling B part. यश आमिन इज टेलिंग बी पार्ट. ओके देखिए, जो थर्मिट वेल्डिंग है इसमें इट्स अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. इट इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. फ्रिक्शन वेल्डिंग इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग. फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी आर इंक्रीजिंग द हीट. तो दिस इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल वर्क बिकॉज इलेक्ट्रिक आर्ट MIG मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक आर्क. एंड सीम वेल्डिंग इज अराउंड लाइक ओमिक रेसिस्टेंस बिकॉज सीम वेल्डिंग इज बेस्ड ऑन आई स्क्वायर आर टी. तो ये जो रेसिस्टेंस है ना वो वही ओमिक रेसिस्टेंस की बात हो रही है. दे आर फोर बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप गाइज क्लियर है, बिल्कुल परफेक्टली क्लियर होना चाहिए आप सभी लोगों को. क्वेश्चन नंबर 6. इन एन एक्सप्लोजिव वेल्डिंग प्रोसेस है, द वेलोसिटी ऑफ द इम्पैक्ट इज फिक्स्ड बाय द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द. देखो इसमें एक टारगेट प्लेट होती है, टारगेट प्लेट, एंड देर इज अ फ्लायर प्लेट विच इज प्लेस्ड सम डी डिस्टेंस, दिस मे बी डी और एट सम थीटा. ये होती है अपनी फ्लायर प्लेट. वी टेक सम एक्सप्लोजिव, रबर की प्लेटिंग होती है एक और बीच में, उसके बाद वी टेक सम एक्सप्लोजिव और हम मोमेंटम ट्रांसफर करवाते हैं. समझ रहे हैं आप बात को, वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफर द मोमेंटम. यहाँ पर मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, मोमेंटम ट्रांसफर. ओके, इन एन एक्सप्लोजिव वेल्डिंग द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बिकॉज देखिए ये जो एक्सप्लोजिव है दैट इज अबव द फ्लायर प्लेट, देन ऑफकोर्स द इम्पैक्ट विल बी गिवन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एक्सप्लोजिव टू द फ्लायर प्लेट एंड देन फ्रॉम द फ्लायर प्लेट टू द टारगेटेड प्लेस. देयर फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लायर प्लेट विल बी फिक्स्ड एंड द टारगेट प्लेस जो है दैट इज दिस फिक्स. देयर फॉर मैक्सिमम एंड फ्लायर दैट इज ए पार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. सेवेंथ. ओके, यश आमिन इज टेलिंग इट एज बी पार्ट, रेशमी कुमारी इज टेलिंग इट एज ए पार्ट. ओके, आई हैव टोल्ड दैट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, स्ट्रेट पोलैरिटी इलेक्ट्रोड नेगेटिव. गाइज इफ दिस इज योर वर्क पीस एंड इफ दिस इज इलेक्ट्रोड, इट इज नेगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव. यू ऑल नो दैट इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल विद हाई काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड देन गोज टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी गोइंग लाइक दिस एंड वेयर एवर इलेक्ट्रॉन्स गो एंड स्ट्राइक देयर टू थर्ड एनर्जी इज डेवलप्ड एंड हियर वन थर्ड एनर्जी इज डेवलप्ड. अगर यहाँ पर टू थर्ड एनर्जी इज डेवलप्ड दैट मीन्स इट विल बी हाइयर पेनिट्रेशन, हाइयर यहां पर मैं लिख देती हूं बिकॉज हाइयर पेनिट्रेशन एंड लोअर डिपोजिशन रेट. लोअर डिपोजिशन रेट बी पार्ट. व्हाई लोअर डिपोजिशन रेट, बिकॉज वन थर्ड ओनली हीट इज गिवन टू द इलेक्ट्रोड. इट विल एज द हीट एनर्जी इज लेसर तो इट विल मेल्ट डाउन लेसर, देयर फॉर लोअर डिपोजिशन रेट विल बी सीन ओवर हियर. आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर. क्वेश्चन नंबर एट द इलेक्ट्रोड्स यूज इन आर्क वेल्डिंग आर कोटेड, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू विद द इलेक्ट्रोड कोटिंग, बिकॉज द कोटिंग वी विल डू दे हैव सो मेनी यूसेज बट आउट ऑफ दीज फोर विच वन इज नॉट द यूसेज ऑफ द कोटिंग दैट वी डू अबाउट द इलेक्ट्रोड.
फर्स्ट नंबर प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर टू द वेल. बिल्कुल यस, इट इज यूज फॉर इट, इट इज द यूसेज टू स्टेबलाइज द आर्क. यस, स्टेबलाइज द आर्क. एड द अलॉइंग एलिमेंट, डेफिनेटली इट ऑल्सो एक्ट एज द अलॉइंग एलिमेंट बिकॉज अल्टीमेटली द कोटिंग विल ऑल्सो मेल्ट आउट एंड मिक्स टू द बेस मटीरियल, सो इट कैन एक्ट एज द अलॉइंग एलिमेंट. नेक्स्ट, प्रिवेंट इलेक्ट्रोड फ्रॉम कंटामिनेशन. नो नो डीपर, this is not that expected because contamination is what you are always all you can always give some other element as the alloying element, so it cannot, it is the electrode itself, so it is not expected from the electrode coating to prevent it from the contamination. Okay, so D part is the correct answer. Question number 9, Manohar Lal, Reshmi Kumari and Yash Amin, 9th, everyone is telling A part. What are rest all students are telling here? Jaldi jaldi response do. What are rest of you telling? 9th. Okay. The ratio of acetylene to oxygen is approximately for neutral flame. Neutral flame mein it is always 1:1. ठीक है. Neutral flame mein it is always 1:1. चलो. Question number 10. गाइज, आई होप दैट कि आप सभी लोगों को पता चल गया है मेटल कास्टिंग इज गोइंग टू बी स्टार्टेड ऑन अन अकेडमी प्लस एज वेल एज आईसी इंजन विल बी स्टार्टेड एज एन स्पेशल क्लास, सो यू ऑल कैन कम एंड जॉइन मी ओवर देयर. और फ्री क्लासेस की अपडेट्स ऑल्सो यू माइट हैव गॉट. मेट्रोलॉजी एंड मेटल फॉर्मिंग इज द कम्प्लीट कोर्स दैट आई हैव टेकन, सो आप लोग उस कोर्स को रेफर कर सकते हो. सो लिंक के लिए यू कैन जॉइन द ग्रुप मीनू लाइव और वहां पर आपको सारी लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट लिंक फॉर द लेक्चर यू विल गेट. 10th का बी पार्ट, प्री हीटिंग बिफोर द वेल्डिंग इज डन टू. प्री हीटिंग हम क्यों करते हैं? अच्छा अच्छा, गेट्स यूएपी स्टेलिंग प्रिवेंट कोल्ड क्रैक्स. प्रिवेंट प्लेट डिस्टॉर्शन, फ्यू पीपल विल बी टेलिंग प्रिवेंट प्लेट डिस्टॉर्शन, फ्यू पीपल विल बी टेलिंग प्रिवेंट कोल्ड क्रैक्स. Burn away oil, grease, etc. from the plate surface and make this steel softer. क्या बोलते हो यार? देखो, this question is one of the most ambiguous question because in some of the courses, some of the sources you will see as prevent the cold cracks and in some of the courses you will see as prevent the plate distortion. Okay. So guys, according to me and the NPTEL, the preheating in the welding is done basically for to prevent the cold cracks, first primary reason, and the second reason is also to prevent the plate distortion because uneven heating may result to plate distortion. For example, dekho itni badi, if there is a plate and yahan par you are doing welding, so temperature here will be high. For example, let me say that 1000 degree Celsius, temperature here will be 25 degree Celsius, so there is temperature difference. But according to me, primarily it is used for, let me say that primarily number one it is used for to prevent cold cracks. Why? Because due to uneven cooling there can be cold cracks, because of that we preheat the welding. And secondary reason should be prevent plate distortion. Now what happens is in most of the sources these you will either get the answer as C part or you will get the answer as D part, but according to me, as I have seen, the main purpose is to prevent the cold cracks, but if someone is telling to prevent the plate distortion then also it may not be 100% wrong. But seeing the viability, the most correct answer, the most suitable answer will be C part. Okay, I hope importance of this thing you will understand. There are many question in ESE which are this kind of where you have to choose between the very wrong and the wrong, samajh rahe, or you can have to choose between very correct, completely correct or lesser correct. So here these both are correct, but most correct is prevent the cold cracks. But if you are getting some of the ambiguity, then you have to adjust it according to that only, because of me, if you'll ask me, then I'll say that C part is the correct answer. Okay, for me. But if you get it somewhere, prevent the plate distortion, so that can also be like, if somebody wants to prefer that, can prefer it. But according to NPTEL, you can see that C part will be the correct answer. Question number 11.
Thank you so much, Harsh. Being Indian is telling, tell me something about the NITI interview. Being Indian, I need to take a different session for it, because if I start telling you about the NITI interview, so it will become like session will increase, timing of the session will increase, which is not that preferable. Question number 11. Watch to the question number 11. Guys, yes. Rashmi, sorry for pronouncing your name wrong. Reshmi it is. Saurav is telling a part. Okay. What are you rest of the people telling? Welding of aluminium alloy. Guys, let me tell you, most of you people think that TIG welding cannot be done on aluminium. The thing is that AC, when you use AC current, then aluminium can be welded by TIG. And nobody else can weld aluminium as good as TIG, AC TIG, matlab ki alternative current of TIG. See, TIG can be tungsten inert gas electrode welding. So it can be DC. DC also two types, straight polarity and reverse polarity. That can never be used for aluminium and magnesium. See, it is not only for aluminium, it is also for magnesium, okay? But AC can be used, thik? Chalo. Shipbuilding is mainly आपको करना है किससे करेंगे shipbuilding किससे करेंगे भैया चलो deep penetration और precision weld के बारे में बात करते हैं deep penetration अगर आपको चाहिए है तो हम focused electron जो कि आपको 10 is to 1 से लेकर के 40:1 का penetration देते हैं देखो for example this is let me tell you this is D and this is B so D is to B ratio jo hai wo 10:40 tak it can be for electron beam welding because there are focused electrons which are going into a point so that is why if you want deep penetration and precision weld then you have to go for electron beam welding that means D2, A3 only in A part is matching. Therefore, I will take the A part as the answer and move forward. I hope this thing is clear. Yeah. Mohammed Faizan Khan, A, B, C, D, sab de diya. Free mein bhi aa jate hain kuch log, kuch bhi karne. Question number 12. Please do not waste your time. Time is very precious, Mohammed Faizan Khan. Time is very precious. Do not waste your time over here. For butt welding chalo solve the answer solve let me see that how many of you are giving the correct answer to this question number 12 shubham mahajan d aana chahiye mig shubham you are talking about mig metal inert gas welding Murali Janani Mechanical drill bit is joined by see I will tell you this is a pen drill bit is something like the shank and the drill bit when they are welded guma guma ke pass liya hai uske baad thoda pressure dala ye kya hua friction welding kya hai pehle to apan kya karte hain yahan pe aise se we will rotate it we will give it omega very high omega there will be lot of resistance due to that resistance heat will be generated and then we will give lateral प्रेशर और उस प्रेशर से वो वेल्डिंग हो जाती है देयरफॉर द ड्रिल बिट एंड द शैंक इज जॉइंड बाय फ्रिक्शन वेल्डिंग मुराली जनानी मैकेनिकल ओके आई हैव गॉट सो मेनी आंसर पीपल आर टेलिंग इट ए पार्ट ड्रिल में गैस दिया है प्लीज चेक नो यश आई मीन व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू राइट I have checked and only then I am giving you this thing over here. Drill bit and shank is joined by friction welding only 100% correct. Wherever it is given gas welding, just understand that it is given it wrong. अच्छा इसमें आप बात कर रहे हो सी द थिंग इज दैट फिर से देखो अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन सेड इट इज रॉन्ग तो सी का वी हैव टेकन इट एज गैस वेल्डिंग अच्छा मेरी एक बात मेरी याद रखना इट डिपेंड्स अपॉन फिर से सुनना इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी आर चूजिंग बहुत ज्यादा गलत और बहुत कम गलत को चूज करना है देखो यार
आपको एल्यूमिनियम के लिए टीआईजी में जाना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट वेल्ड द एल्यूमिनियम बाय गैस वेल्डिंग एंड नीदर यू कैन वेल्ड द एल्यूमिनियम बाय सबमर्स्ड आर्क वेल्डिंग. ओके एंड डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कैन गिव यू वेरी वेरी डीप पेनिट्रेशन. व्हाई? बिकॉज यू हैव द कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोड. तो डी का तो टू होना ही होना है. यू कैन नॉट स्टॉप इट. हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली. बट द थिंग इज दैट यहाँ पर आपको शिप बिल्डिंग भी, यार शिप बिल्डिंग भी आपको पता होना चाहिए कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग करता है, क्योंकि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो थिकनेस होती है इट इज़ ग्रेटर देन 15 mm. गाइज 15 mm से ज़्यादा ग्रेटर होती है. देयर फॉर शिप बिल्डिंग में काफ़ी मोटे मोटे ब्लॉक्स होते हैं दैट नीड्स टू बी वेल्डेड. सो इन दिस क्वेश्चन we are taking something which is too much correct, मतलब कि ज़्यादा गलत और कम गलत में choose करना है. therefore we are taking it as a part. यहाँ पर भले ही joining of drill bit and shank को हमें gas welding से करना पड़ रहा है क्योंकि वो किया जा सकता है, otherwise अगर अलग से question आपका आता है then drill bit और shank को friction welding से ही किया जाना चाहिए, no doubt in that. जी हाँ कादरी आजर बिल्कुल सही है, क्योंकि शिप बिल्डिंग में आपका सबमर्ज्ड ही आएगा. शिप बिल्डिंग में और कुछ आ नहीं सकता है. फ्रिक्शन वेल्डिंग आप शिप बिल्डिंग में करोगे? यार एक मिनट, जो फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं देता है. शिप बिल्डिंग में आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, तो शिप बिल्डिंग आप फोर के साथ नहीं ले सकते हो. इलेक्ट्रॉन बीम में करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन बीम में बहुत ही प्रिसाइज और पॉइंट में वेल्डिंग होती है, ये बात याद रखना गाइस. इलेक्ट्रॉन बीम में बहुत ज़्यादा प्रिसाइज एंड पॉइंटेड वेल्डिंग आपकी होती है. तो शिप बिल्डिंग में करके करोगे क्या? तो बी का टू तो आप वैसे भी नहीं ले सकते, और बी का थ्री टीआईजी करने का मतलब ही नहीं है. शिप बिल्डिंग में सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग ही होगा, ठीक है. अब यहाँ पर देखो, ये एक धर्म संकट की बात है जहाँ पर आपको गलत और बहुत ज़्यादा गलत में चूज करना है. देयरफॉर हम ए पार्ट आंसर लेके चलेंगे. बट मैं आपको फिर से बता दूँ, ड्रिल बिट और शैंक को हम फ्रिक्शन वेल्डिंग से ही करते हैं. अगर कभी अलग से आंसर आता है तो आपको फ्रिक्शन वेल्डिंग ही चूज करना है, ठीक है. चलो देखो, यहाँ पर फॉर बेट वेल्डिंग समझ में आ गया सभी को? प्रवीण पटेल, मैम आपके क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है. प्रवीण, 100 times आई हैव टोल्ड ज्वाइन द ग्रुप मीनू लाइव ऑन टेलीग्राम. बहुत बार मैंने बोला है यू नो, एक वो चीज़ होती ना, बाल सफ़ेद हो गए बोल बोल के, तो मेरे भी बाल सफ़ेद हो गए बोल बोल के. आपने अगर, मुझे पता है कि शुरू के 10 मिनट तो आप लोग वैसे ही छोड़ देते हो क्योंकि वो तो बकवास चल रही है, तो वहीं पर तो बताते हैं कि आपको क्या करना है. प्लीज ज्वाइन द ग्रुप, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई क्लासेस. दिस इज टेलीग्राम ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. देखो, बट वेल्डिंग 40 mm थिक प्लेट. देखो, जो टीआईजी होती है गाइज, एक मिनट गाइज, बिल्कुल I have actually I have been assigning the class on Unacademy Plus, so it takes a lot of formalities to be done, and those formalities were like going on tilting. So just now I have got a mail to give a review. Okay. ओके गाइज, डेट्स आर ऑल्सो चेंज्ड एंड थिंग्स आर परफेक्टली डन. सो आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द कोर्स ऑफ कास्टिंग एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन टिल द इवनिंग टुडे. ओके ओके हाँ, वी विल बी लाइक बट वेल्डिंग में. देखो, टीआईजी में थिकनेस ऑफ द प्लेट दैट कैन बी वेल्डेड इज ऑलवेज लेस देन 5 mm. फॉर MIG इट इज़ ग्रेटर देन 5 mm बट लेसर देन 10 mm, यू कैन से दैट. बट फॉर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग द थिकनेस कैन बी ग्रेटर देन 15 mm, 15 एंड लेसर देन 30 mm. यू आर गेटिंग मी? इट इज़ 40, 40 भी लिख सकते हो, 40. तो इट इज़ 40 mm थिक, तो आप सिर्फ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग कर सकते हो. बाकी क्वेश्चन पढ़ने का मेरे को बिल्कुल शौक नहीं है, मैं तो पढ़ूंगी नहीं, ठीक है. समझ रहे हैं आप इस बात को? मुझे यहाँ पे 40 mm थिक दिख गया है तो मैं अब पढ़ूंगी नहीं आगे, क्योंकि मेरे को पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ EBM से देखो कर नहीं सकते.
MIG से तो कोई पॉसिबल नहीं है, ऑक्सी एसिटिलीन गैसिंग वेल्डिंग से भी पॉसिबल नहीं है. इट इज ओनली पॉसिबल विद सबमर्स्ड आर्क वेल्डिंग विच इज ए पार्ट. ओके विच इज ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर 13, रेसिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग इज परफॉर्म्ड ऑन टू प्लेट्स ऑफ 1.5 mm थिकनेस. अच्छा जी, दैट मीन्स दे आर हैविंग टू प्लेट्स, वन प्लेट इज दिस एंड द अदर प्लेट इज दिस एंड बोथ द प्लेट्स आर 1.5 mm. दिस इज ऑल्सो 1.5 mm थिकनेस विथ 6 mm डाया ऑफ इलेक्ट्रोड. दैट मीन्स वॉट एवर इलेक्ट्रोड यू विल बी हैविंग इट विल बी 6 mm डाया. ठीक है, यूजिंग करेंट ऑफ 15,000 एम्पियर फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ इतना, द इंटरफेस रेसिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, द हीट जनरेटेड टू फॉर्म द वेल्ड इज 13 का ए पार्ट. गेट्स यूएपी स्टेलिंग ए पार्ट. ओके ओके, आई डोंट नो विच साइड टू मूव सो दैट यू विल गेट द आंसर ऑफ द रेसिस्टेंस, आई मीन द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस. ये लो भाई, पॉइंट 0.00 I² RT. यस यस यस. देखो सिंपली जो हीट है, हीट जेनरेटेड इज इक्वल टू I² R × T. I कितना है, 15,000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R जो कि 0.0001 एंड टाइम इज माइक्रो सेकेंड्स इन दैट इज 0.25 seconds. Yes, ma'am. Got it ना? तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद एवरीथिंग विल कम 5625 watt second. वॉट सेकेंड इज और जूल. ठीक है, ए पार्ट. ए पार्ट ए पार्ट ए पार्ट इज परफेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, टू प्लेट्स ऑफ सेम मेटल हैविंग इक्वल थिकनेस आर टू बी बट वेल्डेड विद इलेक्ट्रिक आर्क. व्हेन द प्लेट थिकनेस चेंजेस वेल्डिंग इज अचीव्ड बाय. देखो यार, वेन एवर यू विल बी चेंजिंग द थिकनेस दैट मीन्स द एनर्जी दैट यू आर प्रोवाइडिंग, एनर्जी प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड सी इट इज ऑलवेज I² RT. आई नो दैट एनर्जी प्रोवाइडेड कैन ऑल्सो बी V² × R/T, बट डियर स्टूडेंट्स वी नेवर यूज दिस फॉर्मूला फॉर दिस काइंड, वी ओनली यूज I² RT. देयरफॉर इफ यू आर चेंजिंग द थिकनेस देन यू हैव टू एडजस्ट द करेंट so that you have to adjust the power accordingly. जितना आप उस करंट को चेंज करोगे उसी अकॉर्डिंग आपको पावर को भी चेंज करना होगा. therefore you need to change the current. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15, द टेम्परेचर ऑफ कार्बनाइजिंग फ्लेम इन गैस वेल्डिंग दैट ऑफ न्यूट्रल फ्लेम और एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. सी द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम is greater than temperature of neutral, is greater than temperature of carburizing. मैं आप लोगों को टेम्परेचर भी बता देती हूँ. इट इज अराउंड लाइक 3300 degrees Celsius. दिस इज अराउंड 3200 degrees Celsius एंड दिस इज अराउंड 2800 degrees Celsius. देयरफॉर क्या लोगे, क्या लोगे भैया, ए लोअर दैन. I have also given you the value of the temperature. You need to remember these temperature also, guys, because sometimes temperature pe bhi direct question pooch leta hai. Therefore, you need to take it. Guys, it is a very important call from an academy only. I need to, hello? Ji, ji, ji. Okay, okay, I'll do that after the class. Actually, I was taking class on YouTube. I'll do it after 1 hour. Okay.
Oh, how can I contact you? Because in this number, whenever I'm calling, then some call is going somewhere else. Okay, thank you. Question number 15 is done. Then we'll move on to the question number 16, guys. Okay. The plus course is finally done, and it was like it was taking a lot of time because there was used to be some mistakes. So it was like delaying. But finally, it is done. I'll inform you all by evening because after this class only I review it and then. Ma'am, gate question doubt hai. इलेक्ट्रोड में भी डिपेंडिंग कौन सा गंगाधर वी क्या चल रहा है यहां पर किस चीज में डाउट है दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेल्डिंग प्रोड्यूस प्रोसेसेस डज नॉट यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड गाइस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड देन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इट इज गैस टंगस्टन आर्क welding b part correct answer because tungsten is a kind of non-consumable electrode okay shubham singh is asking why coarse perlite are ductile in nature even coarse grain are brittle in nature shubham singh Who told you that even coarse grain is brittle in nature? Coarse grain structure is always ductile in nature. Who told you this? Coarse grain structure is forming by prolonged annealing. What is prolonged annealing? That means it is formed by slow cooling. When slow cooling is there, then there is chance of nucleation and then grain growth. Whenever there is grain growth, that means what? There are lesser number of grain boundaries. Whenever it is fine grain structure, that means more number of grain boundaries. Whenever there are more number of grain boundaries, then there will be more strength, or you can say that more brittleness. Lesser number of grain boundaries, मोटा आदमी आराम से काटेगा. मैंने 100 बार बताया. Coarse grain structure, मोटा आदमी आराम से काटेगा. मतलब ductile material. ठीक है? मैं कई बार बता चुकी हूँ. अब इस बात पे दोबारा मत करना. मैं इस पे lectures भी ले चुकी हूँ. Kindly देखो यार, it is very important to keep your concepts up to the point. अगर कोई भी एक concept आपका गड़बड़ होता है ना, तो आप नुकसान में आ जाओगे. इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप नुकसान में आ जाओगे. तो आपको नुकसान में नहीं आना है. कंसेप्ट को बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर रखो और उनको पकड़ के रखो और एक कंसेप्ट पकड़ो, जो भी क्वेश्चन आए अप्लाई करते रहो. यही करना है. मेरी बात फिर से ध्यान से सुन लो. जस्ट कैच द कंसेप्ट. मैंने आपसे बोला कि वेन एवर देयर इज ग्रेन ग्रोथ, देन कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर यू विल गेट लेसर नंबर ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज, दैट मीन्स इट विल बी मोर डक्टाइल. When you will get fine grain structure, more number of grain boundaries, that means it will be a brittle form. So catch this concept. Whenever a question comes, just try to apply. Different forms of question can be made by same concept only. You must have the ability to apply this concept on different type of questions. So you have to improve your question solving ability as well as analysis part. Try to understand. Chalo, question number 17. Okay, in oxyacetylene gas welding, temperature at the inner core of the flame is around. देखो यार, जी हाँ, मनोहर लाल, 3200. देखो यार, basically whenever it is talking about oxyacetylene and it is not telling you which type of flame you are taking out, then we will take 3200 as an answer. Neutral flame. Okay. 3200 as an answer, neutral flame. Gates OAP, no, it is not possible to class ki timing morning because on plus class ki timing will be 9:30 a.m. to 11:30 a.m. casting. And uske saath saath I am also starting IC engine. So all the timings have to be adjusted. So IC engine will be probably started from tomorrow. Timing I will tell you on Meenu Live Telegram group. Kindly guys, join the group. Join the group and you will get it all. Okay? All the timing. Question number 18.
ए बी सी डी सिद्धार्थ सरावत, बजरंगी स्टेलिंग बी पार्ट, सौरभ बरनवाल डी पार्ट, गंगाधर वी ए पार्ट, यश आमिर 18 का डी पार्ट। ओके, एल्यूमिनियम का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एल्यूमिनियम कैन बी वेल्डेड बाई ए सी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पर ए सी भी लिख देते तो और अच्छा लगता, लेकिन नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, हम लिख लेंगे। तो एल्यूमिनियम गैस टंगस्टन वेल्डिंग पांचवा नंबर, और वो सिर्फ एक ही में है। आगे देखने की जरूरत है, आगे देखने की जरूरत है, किसको लग रही है कि आगे भी देखना चाहिए? आगे मैं देखूंगी नहीं, डी पार्ट मेरे को कोई शौक नहीं चढ़ा है आगे देखने का, मेरे को आंसर मिल गया। एल्यूमिनियम विल बी वेल्डेड बाई ए सी गैस टंगस्टन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 19 गाइस, चलो भैया 19वें क्वेश्चन पे कूदो सभी लोग, जल्दी जल्दी। जंप टू क्वेश्चन नंबर 19, इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। 2 mm थिक स्टील शीट आर टू बी स्पॉट वेल्डेड एट अ करंट ऑफ इतना, करंट दिया हुआ है 5000 एम्पियर, वो बहुत कम दे दिया इन्होंने। अज्यूमिंग इफेक्टिव रेसिस्टेंस टू बी 200 माइक्रो ओम, दैट मीन्स 200 × 10⁻³ ohms की बात करा है, एंड करंट फ्लो टाइम इज 0.2 seconds। हीट जनरेटेड भैया, हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड इज आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाई टी। आई आप सभी लोगों को दिख रहा होगा 5000 एम्पियर, 5000 का स्क्वायर, आर इज 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³, एंड द करेंट इज 0.2। सॉल्व करोगे इन सब चीज़ों को तो 1000 जूल आपको आंसर मिलेगा, जो कि डी पार्ट है। चलो, ओ आई एम सो सॉरी, यस 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 मुराली, 10⁻⁶ माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, बिल्कुल सही बोला। दिस इज माई मिस्टेक, आई हैवेंट सॉल्व इट, ओके दिस इज माई मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस। 10⁻⁶, आई डिडंट नोटिस इट, ओके माइक्रॉन इज 10⁻⁶, आई एम वेरी सॉरी गाइज, प्लीज करेक्टेड, माइक्रॉन इज ऑलवेज 10⁻⁶, माइक्रोमीटर इट इज। चलो क्वेश्चन नंबर 20, यस यस आई हैव करेक्टेड, यहां पे भी मैं सही कर देती हूँ, इट इज 10⁻⁶। क्वेश्चन नंबर 20 का डी पार्ट बोल रहे हैं सभी लोग। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेज्ड ज्वाइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द टू ज्वाइनिंग सरफेस। देखो यार, एक बात सोचो, देयर दिस इज अ बट जॉइंट, व्हेन देयर इज नो गैप बिटवीन देम, when you will put the filler material there is no space, therefore strength will be less, but as soon as you will increase the gap, jaise jaise you will increase the gap, to the filler material ki spacing will increase, therefore strength will also increase, but agar if the gap is increased too much then to strength will decrease, therefore let me tell you strength versus gap ka graph I will make, strength versus gap, so initially when the gap is zero, strength will be also zero and it will increase and then decrease. So there is a point, this is the optimum gap where the strength will be maximum. So increase up to certain gap between the two joining surfaces beyond which it decreases deeper. This, keep this graph in mind. Keep this, try to keep this graph in mind. ठीक है, ये ग्राफ को अपने दिमाग में रखना, चीजें आपको बेहतर लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 21, बढ़िया शानदार क्वेश्चन, सॉल्व इट गाइस, सॉल्व इट, शानदार क्वेश्चन, एक बार सॉल्व करो, बढ़िया फीलिंग आएगा। आई विल कीप ऑन राइटिंग, चलो। मुराली, शानदार मीन्स फैंटास्टिक, ओके मुराली, आई थिंक यू आर फ्रॉम साउथ, सो दैट इज वाई शानदार मीन्स फैंटास्टिक, ओके। स्पॉट वेल्डिंग ऑफ 2 mm थिक शीट ऑफ स्टील डेंसिटी इज गिवेन, ओके लेट मी मेक द डायग्राम, दिस इज अ काइंड ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, लेट मी से दैट हियर इट इज हैपनिंग,
और यहां से यहां तक यू हैव मेड अ स्पॉट. दिस इज 1 mm एंड दिस इज 1 mm. काइंडली गाइज सॉल्व इट एंड देन ओनली गिव द आंसर. ओके, डेंसिटी ऑफ द मटीरियल, डेंसिटी ऑफ द मटीरियल 8000 kg/m³, दैट मीन्स SI यूनिट, इज कैरिड आउट सक्सेसफुली बाई पासिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ करेंट फॉर पॉइंट. तो मतलब टाइम इज गिवन एज 0.1 सेकेंड थ्रू द इलेक्ट्रोड्स. द रिजल्टेंट वेल्ड नगेट इज 5 mm इन डायमीटर गाइज. दिस मीन्स दिस इज 5 mm, दिस वन इज 5 mm. ओके, डायमीटर d ऑफ नगेट इज 5 mm डायमीटर एंड 1.5 mm थिक. दैट मीन्स वॉट गाइज, आउट ऑफ दिस 2 mm, कंप्लीट 2 mm, द नगेट इज फॉर्म्ड ओनली इन 1.5 mm थिकनेस. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नगेट इज फॉर्म, दैट मीन्स हाइट ऑफ द नगेट. इफ आई एम मेकिंग दिस नगेट ओवर हियर, दिस इज द डायमीटर ऑफ द नगेट, दिस इज द हाइट ऑफ द नगेट. दैट मीन्स हाइट ऑफ द नगेट इज कितना, 1.5 mm. इफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बहुत शानदार, दैट मीन्स फैंटास्टिक. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 1400. जस्ट लुक इन टू द यूनिट. आई ऑलवेज से दैट यूनिट भगवान है, तो यूनिट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकता है. ओके, 1400 kJ/kg एंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन द वेंटिंग पोर्शन इज दिस, R is equal to 200 micro ohm. That means 10^-6. Once I have done the mistake, I will not do that mistake again. Meter. ठीक है. Then the current passing through the electrode is approximately. People have solved. Chahat Sharma is telling C part. Saurav Baranwal 4060. Reshmi is also telling as C part 4060. First of all, I have to tell you that you need to फाइंड आउट, बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज पर के जी, तो यू हैव टू नीड टू फाइंड आउट कि वॉट इज द के जी, वॉट इज द मास ऑफ द मेटल, वॉट इज द मास ऑफ मेटल. मास ऑफ मेटल इफ यू विल टाइप, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी विल बी दैट ओनली. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई बाई फोर डी स्क्वायर, पाई बाई फोर डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट. ठीक है, पाई बाई फोर डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी. तो पाई बाई फोर इंटू डायमीटर, डायमीटर इज हाउ मच भैया, डायमीटर इज 5 mm. ठीक है, डायमीटर इज 5 mm, पाई बाई फोर डी स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट इज हाउ मच, हाइट इज 1.5 इंटू डेंसिटी जो कि है 800. अभी यहाँ पे यूनिट मैच करानी होगी क्योंकि दीज आर इन mm एंड दिस वन इज mm³ एंड दिस वन इज m³. तो यहाँ पर आई हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10^-3 का होल क्यूब, क्योंकि ये भी mm में है, ये भी mm में है, तो इतना काम मेरे को करना पड़ेगा. इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कितने लोगों ने सॉल्व किया है, कितने लोगों ने सॉल्व किया है कंप्लीट, व्हाट विल बी द आंसर. ठीक है, आंसर 4060 मेरे को समझ में आ रहा है, इसका आंसर क्या है मेरे को बताओ, ये सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है, मास ऑफ द मेटल सॉल्व करके क्या आ रहा है. फिर तभी तो हम लोग करेंगे ना, लेटेंट हीट रिक्वायर्ड इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये बताओ कितना आ रहा है. ओके, समन कादरी अजल इज टेलिंग मी 0.2356 kg, इज इट राइट, इज इट राइट और नॉट? नो, इट इज नॉट करेक्ट, आई डोंट थिंक सो, इट इज करेक्ट, बहुत ज्यादा आ रहा है. यस, आदित्य कुमार इज टेलिंग राइट, 0.2 के बाद, 0.2 के बाद ना 3 0 और होने चाहिए, दैट मीन्स 10^-3 होना चाहिए यहाँ पे. ओके कादरी अजल, ठीक करो, नॉट करेक्ट, अभी करेक्ट है, दिस वन इज राइट, 10^-3. अभी हीट रिक्वायर्ड इज भैया दिस मच, ठीक है, नहीं, हीट रिक्वायर्ड इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मल्टीप्लाई बाई दिस मच मास. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर यूनिट मास को आई विल मल्टीप्लाई बाई मास एंड दिस विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी. तो ये देखो यार, वेरी इजी, नथिंग इज लेफ्ट आउट नाउ. 1400 मल्टी
0.2356 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर ऑफ माइनस 3 आई स्क्वायर आर टी. वॉट इज आई? आई आई किधर है? आई है अपना, आई किधर हो तुम? आई तुम किधर हो? किधर हो, कहाँ है आई? अच्छा आई तो निकालना ही है यार, आई स्क्वायर आर, आई तो निकालना ही है ना. 200 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर ऑफ माइनस 6, ठीक है आई तो निकालना ही है. मैं आई ढूंढ रही थी. आई स्क्वायर आर इंटू टी, टाइम कितना है 0.1. यहाँ से आप आई निकालोगे तो उतना आएगा जितना सब लोग आंसर बता रहे हो, इतना. मैंने ये क्वेश्चन फुल इसलिए करा है ताकि किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, ठीक है, किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो. ठीक है, तो सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर. वी हैव सॉल्व्ड इट, क्वेश्चन नंबर 21. ओके, वन क्वेश्चन आल्सो वी कैन डू मोर, सो दैट वन आवर क्लास है आज हमारी. चलो सॉल्व इट इन एन आर्क वेल्डिंग. लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज द लास्ट फॉर टुडे. टुमारो आल्सो द सेम क्लास इन द सेम टाइम, दैट इज 12 o'clock. 12 बजे हम फिर से क्लास लेंगे कल के दिन इसी टाइम पे, 12 o'clock. Gotham ready. Okay, I will try to do that. Application of various welding process. Okay. In an arc welding, the voltage and current are itna. Voltage hai, current hai, the heat transfer efficiency is itna and the welding speed is itna. Net heat input joule per mm mein bol rahe hain. That means power divided by velocity it is asking about. Power divided by velocity. Dekho yaar, heat generated will be, या आप कह सकते देखो ठीक है, हीट जनरेटेड विल बी वी इंटू आई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी डिवाइड बाय वेलोसिटी. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. यस, एप्लीकेशंस आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली एंड यस, 797 इज करेक्ट. आदित्य कुमार, 797 इज करेक्ट. ओके, तो V कितना है भैया 25, I कितना है 300, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 85%. वाई? बिकॉज 15% विल बी लॉस्ट. वेलोसिटी इज 8, ठीक है. अच्छा, वन थिंग दैट वी हैव टू गिव इज वी आई विल बी इन वॉट. वॉट इज जूल पर सेकेंड एंड दिस इज ऑल्सो mm पर सेकेंड. देन सेकेंड इन सेकेंड विल कैंसिल आउट एंड वेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर एट 796.875 जूल पर mm, जो कि बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, जो कि बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. आई होप गाइस आप लोगों को ये चीज ठीक लगी होगी. अभी हम इतने ही करेंगे, कल फिर से सेम टाइम 12 p.m. पे वी विल मीट डेली विद द वेल्डिंग. और वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट अ बैच विच इज विद द नेम कॉल्ड प्रारंभ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग. तो उनके लिए है 12, उनकी टाइमिंग आपको मिल जाएगी, बट कल 12 p.m. पे वेल्डिंग की क्लास होगी. ओके, एनीथिंग एल्स, एनी डाउट दैट यू हैव एंड यू वॉन्ट मी टू डिस्कस बिफोर एंडिंग दिस क्लास? गाइस, एनी डाउट और एनी थिंग दैट यू वॉन्ट मी टू डिस्कस बिफोर एंडिंग दिस क्लास यू कैन टेल मी. Application Gotham, application I have to assign a class for that. I'll assign it. One special class I will assign for application of welding processes. Haan, Mahesh, the PDF I'll give in MenuLive Telegram group. So you can download the PDF from there. PDF I will give you all on MenuLive Telegram group. You can probably download it from there. ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस. एंड आप सभी लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा. आज काफ़ी दिनों बाद मैंने क्लास असाइन की है. और आप सभी लोग प्लस में मुझे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा. प्लस में कास्टिंग स्टार्ट हो रही है. मैं जस्ट अभी कोर्स को रिव्यू करने जा रही हूँ. फाइनली कोर्स लॉन्च हो जाएगा और मैं आप सभी लोगों को लाइव देखना चाहती हूँ प्लस में. एवरीवन प्लीज डू ज्वाइन ऑन प्लस एज वेल एज आईसी इंजन. प्रॉबेबली फ्रॉम टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस. विल मीट टुमारो अगेन 12 p.m. विद द सेम